सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम एक बार पहुँचे हैं कणीणा के अंदर, जो कि विक्की पंसारी काफ़ी मशहूर हैं। भाई साहब, पहले तो मैं आपको भाई से मिलवाता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, विक्की, हम आपकी शॉप पे आज पहली बार आए हैं। आपके काफ़ी अखबार के अंदर आर्टिकल देखे थे हमने, तो इसके हम अपने चैनल के माध्यम से जो किसान भाई हैं, काफ़ी परेशानियां रहती हैं पशुओं के अंदर, जो लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं उनके लिए। तो आप पहले तो आप ये बताइए, आपकी शॉप कहाँ, ये एड्रेस बता दीजिए ताकि कोई भाई आना सर चाहे। कनीना, ऐसा है, मेरी एड्रेस है कनीना, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर कहीं एक छोटा सा कस्बा है हाँ जी, जहाँ मेरी शॉप है। हाँ हाँ मैं यहाँ पशुओं की बीमारियों के घरेलू इलाज किसान भाइयों को बताता हूँ। तो आप पशुओं में जो अभी लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं उनके बारे में क्या जानते हैं, और वो आप पब्लिक के साथ साझा कीजिए। ऐसा है जी हाँ जी। कि पिछले 5-7 सालों में पशुओं में बीमारियों ने काफी इजाफा किया है, और इन बीमारियों के साथ साथ बीमारियों के जो इलाज हैं वो भी काफी महंगे हो गए हैं। हाँ तो घरेलू चिकित्सा में क्या है, आयुर्वेद में क्या है कि पशु की हर बीमारी का इलाज किसान अपने स्वयं अपने हाथों से कर सकता है, या तो अपने खेत से या अपने रसोई घर से। हाँ हमारे खेतों में हजारों तरह की घास फूस खरपतवार पैदा होती है, हाँ जिसे हम बेकार समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं। हाँ हाँ उन्हीं घास फूसों से किसान अपने पशुओं का इलाज कर सकता है। हाँ हाँ दूसरा, रसोई घर में बहुत से मसाले व खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हम अपने पशुओं की बीमारी का 100% इलाज कर सकते आज भाई साहब, आज जो आपसे एक टॉपिक मैंने पूछना है, जो पशुओं में गर्भ की समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में आप बताइए आज। हैं। पशु में आज गर्मी के मौसम में, वैसे तो ये बीमारी 12 महीना रहती है, हाँ हाँ लेकिन गर्मी के मौसम में पशु को फूल दिखाना, पाछे दिखाना, जो ब्लैडर जिसको हम हाँ बोलते हाँ हैं, हाँ उसकी समस्या काफी गहरी है। हाँ 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 तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को यही सलूशन दूंगा कि उनके खेत में खरपतवार बहुत सी तरह की होती है, हाँ जैसे कि सदाहरी घास हो गई, हाँ हाँ सवर्णशिर हो गई, बावड़ी घास हो गई, अपना हाँ बड़गद का जो पेड़ है जिसे हम बड़ भी बोल हाँ देते हाँ हाँ हैं, हाँ ये हो गई, ये हर गांव में उपलब्ध है। हाँ इन चीजों का इस्तेमाल करके हाँ और किसान अपने पशु को 100% ठीक कर सकता है। हाँ उसके अलावा अगर किसान इन चीजों का उपयोग ना करना चाहे, या किसान को ये चीज अवेलेबल ना हो, उसे हाँ हाँ पहचान ना हो, तो मैं इनकी आपको फोटो दिखा दूंगा। हाँ आप उन फोटो को देख के इन जड़ी बूटियों को पहचान करके और अपने पशु को खिलाएंगे। नहीं, फिर अगर भी एक मेन समस्या तो ये, किसान इतने जड़ी बूटियों के प्रति जागरूक नहीं है, और फोटो दिखाने से भी वो इतनी तलाश नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ऐसा कोई लीजिए देसी जड़ी बूटियों का कोई ऐसा पैकेज है, हो। उसके लिए फिर मैंने क्या कर रखा है, मैंने किसान की सहूलियत को देख के हाँ इस बीमारी का एक बहुत ही अच्छा घरेलू देसी फार्मूला बना रखा है, हाँ हाँ जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका नाम है गर्व रक्षक। हाँ 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 इस गर्व रक्षक के अंदर मैंने 8-10 जड़ी बूटियां हाँ मिला हाँ के और एक बढ़िया सा फार्मूला तैयार कर रखा है, हाँ हाँ जो पशु को खिलाने से पशु को परोले फूल की जो शिकायत है, पाछा दिखाने की शिकायत है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसका जो मान लीजिए इसका प्राइस वगैरह क्या पड़ता है इस इसका बॉक्स प्राइस का? मात्र 600 रुपये है, या मैं अपने किसानों को 600 रुपये में ये दवाई उपलब्ध करवाता हूँ। जो काफी भाई हैं जो दूर से हैं किसान, अगर उनके वो लिए मैंने क्या सोचा है, हाँ हाँ जो किसान दूर से हैं हाँ हाँ उनको बाई कोरियर या बाई डाक मैं ये दवाई अवेलेबल करवा दूंगा। हाँ उनको क्या करना है, मेरे नंबर पे, मेरे नंबर लिख लो आप, हाँ 94161 94161 57532, 57532 इस नंबर पे कॉल कर ले या व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस छोड़ दे, मैं उनको ये दवाई बाई कोरियर उनके होम डिलीवरी करवा दूंगा। हाँ उसके अलावा इस दवाई के रिजल्ट की बात यह है कि घरेलू चिकित्सा में सिर्फ फूल की ही नहीं, कोई भी बीमारी हो, चाहे आपके पशु का थन खराब हो, चाहे आपके पशु को बार बार रिपीट हो रहे हो, हाँ चाहे आपका पशु दीर्घ नहीं हो रहा हो, पेट की कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज घरेलू चिकित्सा में संभव है। तो भाई आपने काफी अच्छी जानकारी दी लोगों को। आगे काफी जो बीमारियां हैं, इतनी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आगे हम अलग अलग तरीके से, अगर पब्लिक कमेंट सेक्शन में बताएगी और आपके जो दवाइयाँ यूज करेंगे हम उनको भी बताएंगे कि आगे आपसे दवाई लेने के बाद जो रिजल्ट निकले तो कमेंट सेक्शन में बताएं।
और वीके भाई काफ़ी नॉलेजफुल लग रहे हैं, आगे इनके जिस हिसाब से लैंग्वेज से लग रहा है, दावे से बोल रहे हैं कि हर बीमारी का देसी इलाज है इनके पास। मेरे पास नहीं है, हर किसान के घर में है, हर किसान के खेत में है। हाँ हाँ, पड़, पिपल, नीम, किक्कर, इनको आप व्यर्थ ना समझें, ये बहुत बड़ी जड़ी बूटियां हैं, कुदरत ने हमें इनसे नवाजा है, हमें तो सिर्फ करना क्या है, इनका इस्तेमाल करना है। जिस एरिया में जो बीमारी ज्यादा होगी पशु में, उसी एरिया में उसी चीज का कुदरत ने कोई ना कोई समाधान दे रखा है। तो भाई ने काफी अच्छे तरीके से समझाया, और हम भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से काफी जो किसान भाई हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं उनके भी घर परिवार में आजकल पशुपालन है वो आम हो गया। युवा हैं पशुपालन के प्रति काफी आगे बढ़ रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं, तो इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनके हल के लिए हम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, हम आगे और भी वीडियो फिर भाई के साथ साझा करके डालेंगे। तो लास्ट में कहूँगा जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम जो भी आपको नई वीडियो या जो जानकारी देना चाहें वो आपके बीच पहुंच जाए। लास्ट में सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।